अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सिक्स क्लास आज हमने वोकेशन वर्क शुरू करना है। उर्दू का वोकेशन वर्क देखें, जो आपने पहले दिन जो काम लिखना है वो देखें। सबक नंबर एक के हैं, सवालात के जवाबात लिखने हैं और उसके अल्फाज मायने लिखने हैं। 10 अल्फाज के मायने लिखने हैं। सफ़र नंबर चार पे देखें, अल्फाज मायने दिए गए हैं, आप इनमें से भी लिख सकते हैं और जो हमने हमद में मैंने जो लिखवाए थे उसमें से भी आप लिख सकते हैं। 10 अल्फाज के मायने लिखने हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन देखें, ये हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने लिखने हैं। हमें हर वक्त किसकी हमद सना करनी चाहिए और क्यों। इस नज़्म में अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात बयान की गई हैं। मबूदे अंसो जहाँ से क्या मुराद है। नज़म के आखिरी दो शार में शायर ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कौन से ज़र्ब मिसल इस्तेमाल की है। हमद में दी हुई अल्लाह ताला की नेमतों के अलावा कोई सी पांच और नेमतों के नाम और इनकी अफादियत दिखें। हमद में अल्लाह ताला की काफ़ी ज़्यादा नेमतों के बारे में बयान किया गया है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि हमने जो हमद में दिए गए हैं, जो नेमतें दी गई हैं उनसे हट के लिखना है, उनके अलावा वो नहीं लिखनी। हम अल्लाह ताला का हक कैसे अदा कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस के हैं जिनके आपने आंसर लिखने हैं। और आपने काम को बहुत अच्छे अंदाज में नीट करके लिखना है। कट वाले पेन से आपने लिखना है, जो हेडिंग है वो आपने मार्कर से देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजर रही होंगी और अपना काम आप बखूबी तरीके से अंजाम देंगे और बहुत अच्छे अंदाज में अपना काम करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।